दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टी आर एस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है पता है आपकी कितनी ज्यादा डिमांड है पॉडकास्टिंग की दुनिया में तो ये तो मुझे पता नहीं है I'm very happy to hear that. नहीं आपके बहुत सारे लाइफ लॉन्ग फैंस हैं अभी आप ये जानते हो हाँ, ये तो एक थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को ओके हाँ. कब जानने लगे आपकी लाइफ लॉन्ग फैंस बन चुके हैं Uh, वो मुझे बहुत बिगनिंग में अराउंड 2017 के आसपास समझ में आ गया था जब फैंस uh, uh, से मैंने इंटरेक्ट करना और मिलना शुरू किया था uh, उनकी एज ग्रुप जो थी बहुत डिफरेंट थी सबकी सो so, uh, जो बच्चे थे छोटे दे यूज़ टू तो कॉल मी अंकल यू रियली लुक कूल टीन एज लड़कियाँ थी okay. वो कहती थी यू लुक सेक्स द लेडीज़ वुड कॉल मी कि आप यू नो यू रियली लुक हैंडसम एंड एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब

बट डेफिनेटली एक थोड़ी सी स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशन भी करनी है okay. और मैं बहुत रॉ कन्वर्जेशन करूँगा आपसे जो मेरे दिल में मुझे फील हो रहा है मैं कहूँगा तो डोंट माइंड इफ आई एम जस्ट क्रॉसिंग सम लाइन आप एक स्पेशल सोल हो अकॉर्डिंग टू मी और uh, हर पॉडकास्ट के पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि इनसे क्या बात करनी चाहिए इनसे क्या नहीं बात करना चाहिए एक्सेट्रा हर किसी ने कहा कि ही इज प्रॉब्ली स्पेशल सोल क्योंकि ही वॉज सिलेक्टेड टू प्ले महादेव आप खुद ये मानते हो है जब लोग महादेव को विजुलाइज कर रहे हैं बहुत सारे लोग आपको विजुलाइज करते हैं हाँ हाँ आप ये जानते हो बिल्कुल और आ, क्या लगता है इस पूरे आपकी पूरी जिंदगी के बारे में आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन दैट ये बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है आपकी लाइफ का इन टर्म्स ऑफ ये पॉडकास्ट नहीं मैं मैं शो के बारे में बात कर रहा हूँ आप क्या किस नजरिए से शो को देखते से किसी भी सेलिब्रिटी के लिए या किसी भी एक सोशल जो लाइमलाइट के सामने लोग होते हैं उनको एक नॉर्मल आदमी बहुत अलग तरीके से देखता है लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक एक्टर होगा तो उसे कुछ लोग कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके साथ लोग जिनका ऑटोग्राफ चाहते हैं जिनके साथ कुछ लोग पिक्चर्स खींचना चाहते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं स्पेशल एक्टर्स होते हैं जिनसे आप सिर्फ मिलना चाहते हो और हैंडशेक करना चाहते हो सो आई फील मैं उस कैटेगरी ऑफ पीपल में आता हूँ और वो कैटेगरी स्पेशल इसलिए होती है बिकॉज हर किसी का उस इंसान के साथ एक डिफरेंट लेवल पे एक कनेक्शन होता है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स सो वो सिर्फ मिलके खुश हो जाते हैं एंड एज फार एज जो ये शो की बात है सो आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड ही चोज मी मुझे आज भी याद है बहुत बहुत सालों पहले एक एल्डरली लेडी मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने मेरे पाँव छूने लगी तो मैंने कहा रे माता जी आप, आप ये क्या कर रही हैं प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए आप तो मेरी दादी की उम्र की है तो उन्होंने मुझसे बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं मुझे रोकने का क्योंकि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ रही हूँ तुम माध्यम हो तुम कनेक्शन हो तुम मीडियम हो सो तुम प्लीज मुझे रोको मत और मुझसे मेरा वो पाँच या दस सेकेंड का जो मेरा स्परिचुअल कनेक्शन है ऑल के साथ उसे रोको मत सो आई थिंक वो एक स्पेशल पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैंने गिव इन कर दिया मैं पूरी तरह से सहमत हूँ माता जी के साथ और बताइए सो वहां मैंने गिव इन करना शुरू कर दिया था कि ओके आई एम जस्ट अ मीडियम एंड मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं लोगों से ये छीन सकूँ या उनसे दूर रहूँ आप बचपन में शिव जी के मंदिर जाते थे सो आई एम फ्रॉम कश्मीर आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन कश्मीर Uh, हम लोग uh, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ हम शेवजम हमारे में बहुत माना जाता है uh, और uh, अमरनाथ की वजह से हर बच्चा जो होता है लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड होता है जब आप छोटे होते हो सो so, मैंने बचपन में ही मेरे फादर के साथ बहुत छोटा था मैं जब उनके साथ मैंने टेंपल जाना शुरू कर दिया था कश्मीर में एक शंकराचार्य नाम का एक बड़ा फेमस टेंपल है सो बचपन से एक अलग कनेक्शन रहा है शिवा के साथ और वो मेरा पर्सनल कनेक्शन मेरे फादर की वजह से रहा है Because वो एक फर्म बिलीवर थे लॉर्ड शिवा के, so, yeah. okay. पर बचपन में कभी आपको लगा था sure आपने ये सोचा होगा कि एक दिन मैं शायद एक्टर बनूंगा पर कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन मैं शिवजी का कैरेक्टर प्ले करूंगा स्क्रीन पर नहीं, नहीं, नहीं नहीं तो okay. बचपन में आपकी पर्सनल रिलेशनशिप क्या थी उनके साथ आई एम सॉरी आई एम हाईलाइटिंग दिस फेज दैट मच पर ये मेरे जेन्यून सवाल है अगर मैं आपको एक पार्टी में भी मिलता मैं यही पूछता आपसे सो so, सी मैं तो बिकॉज uh, कश्मीर में uh, मेरी पैदाइश हुई है हम uh, पले बड़े कश्मीर में ही जी uh, तो uh, जैसे मैंने बताया कि पिताजी की वजह से हम टेम्पल जाया करते थे हम uh, उनकी वजह से हम लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड थे ऑब्वियसली मैं छोटा था सो so, इतना कोई स्परिचुअल डीप कनेक्शन नहीं था अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बट यस yes, क्योंकि हम कश्मीरी ब्राह्मणस में शिवरात्रि बहुत बहुत बड़ा त्यौहार होता है ईयरली बेसिस पे, जिसे हम कश्मीरी में हेरत कहते हैं सो so, वो जो पर्व होता है वो बहुत ही बहुत ही ग्रैंड uh, लेवल uh, पे सेलिब्रेट किया जाता है हर कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली में सो so, उसकी वजह से हमें मालूम होता था कि हेरत आ रही है ये शिवरात्रि का रात की रात है और हमें भगवान की पूजा करनी है और पूरे घर की सफाई होती थी चार पाँच दिन पहले ही सब सफाई होना शुरू हो जाती थी और क्लीनिंग होती थी एंड देन यू वी यूज टू प्रे सो वी हैड अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे जब से हम छोटे थे ओके okay. मैं इतने ज़्यादा सवाल आपसे इसलिए पूछ पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपका नाम हमारे पॉडकास्ट गेस्ट लिस्ट पर बहुत टाइम से रहा है प्रॉब्ली यू आर वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स पहले चार साल पहले पर okay. पता नहीं क्यों आज ये पॉडकास्ट हो रहा है एट द सेम टाइम एक शब्द उपासना मतलब एक स्पेशल तरह की पूजा और पिछले छः महीने से मैं आ, शिवजी की उपासना कर रहा हूँ एक स्लाइड जो आपने आप शायद बिन वो वॉकिंग एन आई वॉज जस्ट डूइंग इट मैं वहाँ बैठा था हाँ, हा, कुछ हाँ योर लाइटिंग सो मैं शिवजी की उपासना बहुत ज्यादा कर रहा हूँ एंड आई पर्सनली फील कि उस वजह से आपका ये पॉडकास्ट आज पॉसिबल हुआ है सो आई हैव मोर अबाउट ऑफ फॉर यू क्योंकि आई एम श्योर जो आपने कहा कि एक पावरफुल कैरेक्टर आप निभा रहे थे स्क्रीन पर कहा जाता है कि हर एक्टर का हर कैरेक्टर उस एक्टर को थोड़ा सा बदल देता है hmm. right? हाँ. उस कैरेक्टर ने आपको बदला कैसे उस कैरेक्टर की कुछ लर्निंग्स थी जो मेरे लिए Uh, बहुत uh, आने वाले टाइम में मुझे uh, मुझे बहुत फायदा हुआ उन लर्निंग से uh, एक उसमें लर्निंग थी ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय आई डोंट डिमांड रिस्पेक्ट एंड आई एम नॉट एम्बेरस्ड इफ यू यू नो शेम मी मुझे आई एम गुना बी न्यूट्रल नथिंग कुछ भी बाहर का शुड नॉट अफेक्ट यू यू हैव टू बी इन योर मेंटली यू हैव टू बी सो स्टेबल कि बाहर की कोई भी चीज़ या बाहर का कोई भी वातावरण आपको अफेक्ट ना कर पड़े वो एंड लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव कि हमारा इस धरती पे पर्पस क्या है लॉन्गर uh, जर्नी में व्हाट इज़ द पर्पस? कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इस पर्पस से भटक जाते हैं uh, हर कोई उस पर्पस से वापस आ जाता है बट उस पर्पस को जानना बहुत ज़रूरी होता है ओके okay. आपका पर्पस क्या है आई ग वो पर्पज़ जो होता है वो हर सालों में चेंज होता रहता है बिगनिंग uh, में जब आप छोटे होते हैं वो पर्पज़ होता है एक अच्छा uh, एक अच्छा छोटा uh, भाई बनने का बहन बनने का बींग अ गुड सन बींग अ गुड ब्रदर ब्रदर अ गुड फ्रेंड अ गुड सन कल कुछ अब शादी हो जाए तो बींग अ गुड हसबेंड देन इफ यू हैव किड्स देन बींग अ गुड फादर सो ये लाइफ के सारे uh, जो पड़ाव हैं Uh, आपको हर उस पड़ाव को जस्टिस देना है और उसे अपनी कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ निभाना है दैट इज़ अग अ पर्पज विच इज़ नॉट वेर यू हैव अचीव वॉट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ आपने कितने सक्सेसफुल हुए हैं आप प्रोफेशनली मॉनिटरी गेंस आपके कितने हुए हैं वो उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहता है इवेंचुअली सब uh, पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है बट वो जो जर्नी होती है उस जर्नी में एक अच्छा इंसान बनना अच्छे अपने जो आसपास के जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको कंप्लीट जस्टिस देना उनके साथ जो आपका रिलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए